सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी अपने सालों पुराने सपने को पूरा कर सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बनना तो एक्टर चाहते हैं, लेकिन उस समय कंडीशंस ऐसे ना होने की वजह से बन कुछ और जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने के बाद बहुत से ऐसे लोगों ने अपने कॉमेडियन एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा किया है। और ऐसी ही कुछ कहानी है आरजे करिश्मा की भी, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आज लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। अपने कॉमिक टाइमिंग, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग और रिलेटेबल कंटेंट की वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और इनकी सास बहू वाली सीरीज तो बेहद ही पॉपुलर हैं। इनके वीडियोस को लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि इन्होंने कुछ ही टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। करिश्मा का ये आरजे बनने का सफ़र और फिर आरजे से एक कॉमेडियन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ और हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरजे करिश्मा के बारे में, साथ ही जानेंगे इनके सफ़र के बारे में और बहुत सी पर्सनल बातें इनके बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। 1995 को जम्मू में एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप आरजे करिश्मा के नाम से जानते हैं। करिश्मा आज 26 साल की हैं, लेकिन ये बचपन से ही बहुत ही नटखट चाइल्ड थी, जो हर टाइम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही करती रहती थी, जिसके कारण इनके पेरेंट्स भी इनसे काफ़ी परेशान रहते थे। वैसे तो एक ये जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहाँ ये और इनका एक कज़न हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती करते रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें फैमिली द्वारा खूब मार भी पड़ती थी। करिश्मा बचपन से ही सीरियल देख देख कर ही बड़ी हुई हैं, और उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ही ये सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है, और स्पेशली नेगेटिव रोल्स जो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते थे। करिश्मा को एक्टिंग का भूत इस कदर चढ़ गया था कि ये बहुत बार बहुत सारे कैरेक्टर्स की मिमिक्री करती रहती थी, और जब इन्होंने अपने घर पे एक्टिंग के लिए बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इनकी फैमिली का कहना था कि इस सब में कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ से कोई भी एक्टिंग मॉडलिंग वगैरह नहीं करता, चुपचाप पढ़ाई करो और इससे ही कोई फ्यूचर बनेगा। पेरेंट्स के प्रेशर में करिश्मा ने साइंस ले ली और 12th PCM से किया। हालांकि करिश्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थी। इनका मन तो हमेशा एक्टिंग में ही रहता था। स्कूल के बाद ये बात करिश्मा ने अपने भाई से कही कि उन्हें एंटरटेनमेंट एक्टिंग वगैरह में ही जाना है, इसमें ही वो अपना करियर बनाना चाहती हैं। इनके भाई ने इन्हें अपना पैशन फॉलो करने के लिए अलाउ कर दिया, जिसके बाद करिश्मा इंदौर आ गई। यहाँ करिश्मा की मौसी रहती थी। यहाँ से करिश्मा ने मीडिया मास कम्युनिकेशन से अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद करिश्मा ने रेड FM में रेडियो जॉकी के लिए इंटरव्यू दिया, जिसमें इनसे पूछा गया था कि ये रेडियो जॉकी क्यों बनना चाहती हैं, जिसमें करिश्मा ने एकदम सच बोला और अपने दिल की बात कह दी। दरअसल वो रेडियो जॉकी तो बनना ही नहीं चाहती, वो एक्टिंग करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें एक जॉब की ज़रूरत है। और करिश्मा की इस लॉयल्टी ने इन्हें रेडियो जॉकी की जॉब दिला दी, जिसके बाद करिश्मा ने 6 मंथ इंटर्नशिप की और फिर लगातार 5 सालों तक रेडियो करती रहीं। और आज करिश्मा आरजे की जॉब से बहुत प्यार करती हैं। हालांकि एक टाइम था जब करिश्मा आरजे बनना ही नहीं चाहती थी, उन्हें लगता था वो 9 to 5 तो जॉब कर ही नहीं सकती, और ऊपर से बॉस के लेक्चर्स वो कभी नहीं सुन सकती। लेकिन आरजे की जॉब करने के बाद करिश्मा के ये सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो गए। उनकी बॉस भी बेहद अच्छी थी और उन्हें ये काम करते हुए इंटरेस्ट भी आने लगा था, और करिश्मा ने इसी जॉब में अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी से काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। थोड़े ही टाइम में करिश्मा ने अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बना ली थी। रेडियो पर लोग करिश्मा के शो का इंतज़ार करते, इनकी आवाज़ और कॉमेडी के लोग फैन बन गए, लोग इनके शोज़ का वेट करते, इन्हें सुनना चाहते। इस सब से करिश्मा को काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन एक चीज़ अब भी मिसिंग थी। लोग इनकी आवाज़ को तो पहचानते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इन्हें रियल में जानते थे। और करिश्मा का भी यही कहना था कि एक आरजे बहुत मेहनत करता है, और बहुत से ऐसे प्रोफेशंस जिसमें वॉइस को तो सब पहचानते हैं और रोज़ाना सुनते हैं, लेकिन असलियत में उस इंसान को कोई नहीं पहचानता। तब फिर करिश्मा ने अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना सही समझा। इन्होंने इंस्टाग्राम पर फनी रील वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, और इनकी कॉमेडी ज़्यादातर रियल इंसिडेंट बेस्ड होती। अपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी की वजह से इन्होंने थोड़े टाइम में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। इनकी पैरोडीज, फनी रील्स लोगों में इतनी जल्दी पॉपुलर हो गई कि आज ये काफ़ी फेमस हैं, और ख़ासकर इनकी सास बहू वाली सीरीज़, जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया।
इन्होंने सास बहू वाले आर्ग्यूमेंट्स और नोकझोंक को इतना रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जो इंडियन से एकदम कनेक्ट किया। और इनकी इसी सीरीज ने इन्हें छोटे से बड़े तक और हर घर तक पहुंचा दिया, जिसके कारण आज इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। करिश्मा के इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर भी ये अपनी फ़नी रील्स शेयर करती हैं, जिस पर 2.1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों, ये थी आरजे करिश्मा की एक आरजे बनने की और फिर आरजे से एक कॉमेडियन बनने तक की कहानी। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये कमिटेड हैं। इनके हस्बैंड का नाम शुभम रघुवंशी है, जो भी एक आरजे हैं और इनके साथ रेड एफएम में जॉब करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी आरजे करिश्मा की। आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनके वीडियोस आपको कितने रिलेटेबल लगते हैं और अगर वो आपकी भी डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। बाकी आप अपना ओपिनियन इनके बारे में कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई शिकायत या सजेशन करना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हम जा रहे हैं। बेटा, काला क्यों पहन लिया तुमने? शादी का भी थोड़ा ही टाइम हुआ ना, काला सफेद नहीं पहनते, कुछ रंग बिरंगा पहनो। ठीक है। डूड, हाउ इज लुकिंग? ब्लैक इज समथिंग, तो कभी भी पहन लो, सही लगता है। ब्लैक? डार्लिंग, दिस इज ऑरेंज। पागल हो गई क्या? अगर ये ब्लैक होता ना तो मम्मी जी अभी तुम्हें टोक देती कि शादी को एक साल भी नहीं हुआ तो मैं काला सफेद पहन रही है ना मम्मी जी? ब्लैक ऑरेंज नो डिफरेंस। मम्मी जी कौन से स्कूल में पढ़ा है?